चार दिन पहले एक लड़की जो बस स्टैंड पे थी, इस बारे में हमें पता चला कि वो बस स्टैंड में कोई लड़की है। तो इस बारे में पता करने पर उसने अपना नाम मानसी बताया और अपने आप को मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया था। उसने बताया कि ये मध्य प्रदेश से यहाँ भटकर पहुँच गई है, इसे ना पता है कि कहाँ से कहाँ तक ये पहुँची है, लेकिन इस समय ये ऊना बस स्टैंड पर है, जिस पर हमने इसके घर का नंबर, भाई का नंबर लिया, उससे हमने बात करी। तो जिस बारे से बताया ये इसके इस बारे इसकी FIR मध्य प्रदेश थाना में दर्ज हुई है और ये कई दिनों से लापता है, जिस पर इस लड़की को हमने इसको सुरक्षित वहाँ रखा, वहाँ जो एक और लेडीज के हवाले के वहाँ दो दिन वहाँ रही। उसके बाद उसके कल पिछले कल उसके घर से उसके पार्षद यहाँ आए और उस बारे में इंट्रोडक्शन करके पूरा उसका तहकीकात करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद थाना मध्य प्रदेश में पन्ना थाना में बातचीत करके वहाँ से FIR की कॉपी हासिल करने के बाद पाया गया कि ये लड़की पिछले कुछ दिनों से वहाँ मध्य प्रदेश से लापता हो गई थी, जिस बारे में थाना मध्य प्रदेश के थाना में पन्ना में 363 का मुकदमा थाना दर्ज हुआ है हुआ था, जो पिछले कल इसको हमने हैंडओवर सही हालत में हैंडओवर कर दिया है, जो अपने साथ अपने आप मध्य प्रदेश ले गए हैं। हमारे नाम मलिका खातून है, मेरी बेटी गुम हो गई थी 4 बजे का, पापा का जी का फोन आया था आपकी बेटी की गुम हो गया तो आपके ढूंढ ले, तो हमने चौकी आया कॉम्प्रेस किया तो इसने ढूंढा, सुबह से भी ढूंढा रात से भी ढूंढा, तो सफेलिंग नंगल से फोन आया तो चौकी में आके बताया, हम चौके से हमारे लड़की मिल गई सही सलामत। पिछले कल दिनांक 10 तारीख को चौकी में एक महिला मलिका निवासी गढ़वा जो अपने अपने दो वारसन के साथ चौकी आई थी, उसने बताया कि उसकी लड़की 9 साल की जो 5वीं क्लास में पढ़ती है अचानक घर से शाम को 4 बजे गायब हो गई है। हमने इसकी काफ़ी तलाश करी लेकिन कहीं भी ना मिल रही है, जिस पर इस सूचना पर मैंने अलग अलग टीमों का गठन करके स्वयं इलाका में इसकी तलाश के लिए गए। हमने जहाँ जहाँ संभावित ठिकाने थे वहाँ वहाँ इसकी तलाश करी, लेकिन पूरी रात तक तलाश करते रहे लेकिन कहीं इसका कोई अता पता ना लगा। सुबह से फिर दोबारा हमने 7 बजे इसका सर्च अभियान शुरू किया पूरी टीम के साथ, जिसमें जितेंद्र कुमार व अन्य मुलाजिम थे। पूरा सर्च अभियान पूरे रेलवे ट्रैक जहाँ जहाँ संभावित तौर भी ठिकाने थे वहाँ वहाँ तलाश, लेकिन कहीं ना मिली। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया में थोड़ा इस फोटो को वायरल करके और सभी अलग अलग स्थानों पर बतलाया, लेकिन कहीं भी सुराग ना चल पा रहा था। इसके अलावा ये जो औरत जिसकी माँ है, जो बेसिकली जो मलिका है, बेसिकली वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, जो कई सालों से पहले इसने शादी की दूसरी जगह चितौड़ा में की थी दूसरी शादी, उसके बाद चितौड़ा से यहीं गढ़गों में रह रही है। उस पर शक होने पर हो सकता है कि उसके पहले वाले पति ने इस लड़की को घर से ले गया हो, लेकिन घर पर फिर हमने रात को छापामारी की लेकिन घर पर वो लड़की उनके पास ना मिली। इसके बाद हमने तहकीकात जारी रखी, तलाश जारी रखी, तो इसकी इस बारे में हमने सूचना थोड़ा मिली कि वो लड़की पंजाब में नए नंगल में है, जिस पर हमने संपर्क नए नंगल में चौकी संपर्क किया, उन्होंने बताया ये लड़की इधर कोई लेकर आया था वो हमारे पास है, जिस पर वो लड़की को लेकर वहाँ चौथड़ा जगह नाम पर जहाँ उसके वहाँ उसको किरमिसराटस वहाँ का बतलाया था वहाँ लेकर आए। वहाँ पर पूरी तहकीकात करने के बाद वहाँ उस लड़की को यहाँ चौकी बुलाया, उसकी माता भी यहाँ आई है और उसकी जो सुपुरदारी पर अब लड़की को उसकी माँ के हवाले कर रहे हैं, और इस बारे में भी पूछताछ लड़की ने बताया कि ये पिछले कल अपने आप घर से 3-व्हीलर में बैठकर अपने घर जो पिछले घर चौधरा के लिए गई थी, लेकिन वो रास्ता भट गई थी, आगे इसको पता ना चला था, वो आगे निकल गई थी। उसके बाद हम तहकीकात पूरे भी करने को, इसके बाद घटना घटना हो गई, शमशान में जा गया। मैं सुखराम ठाकर गढ़वा मोहल्ला से बोल रहा हूँ, और कल लगभग 4 बजे
ये हमारे किराएदार की लड़की संगीता नाम की घर से गायब हो गई थी, चली गई थी, निकल गई थी। हमने आगे चौकी आके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस ने बहुत सहयोग दिया। हम भी पुलिस के साथ गए, चारों तरफ इसको ढूंढा, शाम तक कहीं नहीं मिली। सुबह पुलिस वाले का फोन आया कि नंगल शिवालय कॉलोनी में लड़की को बरामद कर लिया है, आप चौकी आ जाओ। और चौकी आकर सही सलामत लड़की को हमारे सुपुर्द कर दिया। बहुत बहुत पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमारे बच्चे को ढूंढ के हमारे।